हेलो एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं मकई के दानों से खीर या भुट्टे की खीर भी आप बोल सकते हैं। तो स्वागत है पॉइंट किचन में एक बार फिर से आपका। और चलिए देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स को। तो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट हम यूज़ करने वाले हैं। तो मैंने लिए हैं 1.5 कप के या एक बड़ा कटोरा भी आप बोल सकते हैं मकई के दाने, 1/4 कप चीनी, आप गुड़ भी ले सकते हैं, और 1/4 कप ही मैंने लिए हैं टूटे हुए चावल, बासमती चावल की किनकी। टूटे हुए चावल आपके पास नहीं है तो जो चावल हैं उन्हें ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए एक बार, और अपने चॉइस के आप ड्राई फ्रूट ले लीजिए। मैंने लिए हैं काजू, बादाम, किशमिश और थोड़े से पिस्ता और 3-4 इलायची और कुछ केसर के धागे, और हमें चाहिए ग्राइंडर जार, और ये है 1.5 लीटर के करीब दूध, फुल क्रीम मिल्क मैं यूज़ करने वाली हूँ, और हमें चाहिए पैन। और सबसे लास्ट में मैं दिखाऊंगी सिल्वर लीफ को, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके पास है तो आप इसे इस्तेमाल करें, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो चलिए अब हम करते हैं रेसिपी को शुरू। बहुत ही कम टाइम में बनने वाली रेसिपी है। तो सबसे पहले, क्योंकि हम खीर बना रहे हैं तो दूध को सबसे पहले हम चढ़ा देते हैं, पैन में डाल देती हूँ मैं, और दूध को गर्म होने के लिए रख देती हूँ। तो थोड़े से दूध में हम अपने जो केसर के धागे हैं इनको भिगो देते हैं, इससे हमारी खीर में कलर भी आएगा और बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी और केसर का स्वाद भी बहुत अच्छा होगा। सॉरी, बस बाकी बचा हुआ दूध मैं पैन में डाल देती हूँ और इसे हम मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। दूध रखने के बाद अब हम चावल को धो लेते हैं। तो मैं ले लेती हूँ एक बड़े से बोल में इनको ट्रांसफ़र करके, और मैं इन्हें धो लूँगी अच्छे से। चावल मैंने धो लिए हैं और अब इन्हें मैं दूध में डाल देती हूँ। और अब इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि जो चावल है वो नीचे लगे नहीं और वो धीरे धीरे पक जाए। तो बीच में हर 2 या 3 मिनट बाद हम उसको चलाते रहेंगे और मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे, और जब तक हम अपनी बाकी की तैयारी कर लेंगे, जब तक हमारे चावल पकेंगे। तो अब हम काट लेते हैं अपने ड्राई फ्रूट्स को। तो केसर को मैं भीगे हुए केसर को साइड में रख देती हूँ, और पिस्ता को भी साइड, नहीं पिस्ता को साइड में नहीं रखेंगे हम, पिस्ता को हमने ब्लांच करना है। तो इसमें हम लेंगे एक अपने तड़का पैन में हम 1/2 कप के करीब पानी में इनको उबाल देंगे। इसमें एक केसर का धागा उड़ के आ गया, जब मैं डाल रही हूँ तो ये उड़ के आ गया होगा, इसको मैं दूध में ही डाल देती हूँ। ये एक और है यहाँ पे। अब हम 1/2 कप के करीब इसमें पानी डालेंगे और इसको एक बार उबाल लेंगे कुछ सेकंड्स के लिए, बस 30 सेकंड ही इसको लगेंगे उबलने में 1/2 कप पानी को। तो मैंने इसे फ्लेम पे रख दिया है और बस कुछ सेकंड में आप देखते हैं कि इसमें उबाल आ गया है, और बस 10-15 सेकंड में हम इसको बंद कर देंगे फ्लेम को और पिस्ता को पानी के अंदर ही छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए, और बीच बीच में अपनी खीर को हमने चलाते रहना है ताकि नीचे लगे नहीं। बस इस तरह से बीच बीच में हम अपनी तैयारी करते रहेंगे और खीर को चलाते रहेंगे। तो पिस्ता को हमने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है, और तब तक हम अपने बादाम को काट लेते हैं।
आप जैसे चाहें वैसे काट सकते हैं, मोटा मोटा कूट भी सकते हैं। और काजू के भी मैं छोटे छोटे टुकड़े कर लेती हूँ, आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं। तो मैं इसको काट लेती हूँ छोटे छोटे टुकड़ों में। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको खाना पसंद है। तो स्वीट कॉर्न की जो खीर है वो बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है, और कोई ख़ास मेहनत भी नहीं लगती, आप देख रहे हैं। तो ये मैंने काजू को काट लिया है। बस ये हो गया। और अब इलायची को थोड़ा सा कूट के हम इसके छिलके हटा देंगे। तो इसको मैं थोड़ा साइड में करके इसे थोड़ा सा उसे कूट लेंगे हम। इससे जो छिलके हैं वो आसानी से निकल जाएंगे। तो अब दाने निकाल लेंगे और छिलके फेंकने की आपको ज़रूरत नहीं है, इन्हें आप चाय में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे चाय में बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाएगी और आपके इलायची के छिलके वेस्ट भी नहीं जाएंगे। तो ये मैंने दाने निकाल लिए हैं सारे, और अब इन दानों को हमने दरदरा कूट लेना है। तो थोड़ा सा कूट लेंगे हम, इससे इलायची का टेस्ट और खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी। तो इनको मैं साइड में रख देती हूँ, ये हो गया। अब हमें और क्या तैयारी करनी है। अब हमारे पिस्ता जो है वो ठंडे हो गए हैं, इन्हें निकाल लेते हैं और इनको थोड़ा सा मसल कर हाथ से के छिलके हटा लें। तो इससे क्या होता है, पिस्ता का जो कलर है वो एकदम से ब्राइट निकल के आएगा, जो देखने में और खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। इसको हल्का सा आप ऐसे मसल लेंगे तो वो छिलका आसानी से हट जाएगा आपका, और अगर नहीं निकले तो आप चाकू की हेल्प ले लीजिए तो फिर वो निकल जाएगा आराम से। इस तरह से हम अपने पिस्ता को छील लें। पूरा छीलने के बाद मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि वो देखने में कितने ब्राइट हो जाते हैं। बिना उबाले भी आप डाल सकते हैं, पिस्ता का टेस्ट फिर भी आएगा, लेकिन आप देखिए कि वो कितने डार्क ग्रीन हो गए। तो हमारे बादाम भी कट गए, काजू कट गए, इलायची को हमने कूट लिया है। ये देखिए पास से दिखाती हूँ ना कितने ब्राइट हो गए हैं। और खीर को हमने बीच बीच में चलाते रहना है। तो चावल के दाने हमारे पक गए हैं, थोड़ा सा और इसको गाढ़ा होने देते हैं। बीच बीच में ऐसे ही हम उसे हिलाते चलाते रहेंगे जब तक कि हमने बाकी की तैयारियां की, जब तक हमारे चावल पक गए। और टूटे हुए चावल लेने का फ़ायदा ये कि टाइम बचता है। अब बारी है कॉर्न की। तो चावल हमारा पक चुका है, अब हम कॉर्न को डालेंगे ग्राइंडर में और इसे ग्राइंड कर लेंगे। बहुत आपको इसको क्रीमी नहीं बनाना है, इसको हम दरदरा ही पीसेंगे। तो पहले आधे में डाल लेती हूँ, आधे पीस लेती हूँ। हम इसे चेक करते हैं एक बार, तो इसमें काफ़ी स्पेस है, बाकी के कॉर्न्स भी इसमें आ जाएंगे आराम से। तो मैं सारे कॉर्न्स इसमें डाल के और इसे एक बार फिर से घुमा देती हूँ। बस हम इसे दरदरा सा पेस्ट बनाएंगे कि कोई दाना साबुत भी नहीं बचे और बिल्कुल इसका जूस भी ना बन जाए, इतना ही। मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से दरदरा सा हम एक पोस्ट पेस्ट इसका बना लेंगे। अब इसे निकाल लेते हैं एक बोल के अंदर। तो अभी हमारी सारी तैयारी हो गई है, ड्राई फ्रूट्स कट चुके हैं, केसर के धागे हमने दूध
भी भिगो दिए थे जिनका बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है और कॉर्न हमारे पिस गए हैं। ढक्कन पे से भी उतार लेते हैं। और खीर हमारे जो चावल के दाने हैं वो पक चुके हैं बहुत अच्छे से, थोड़ी गाढ़ी होने लगी है। बस अब हम इसमें कॉर्न को मिला देंगे। सब हमारी तैयारी हो गई, जब तक ये सब तैयारियां हमने की जब तक हमारे चावल पक गए। तो अब मिला देते हैं अपने स्वीट कॉर्न के पेस्ट को खीर के अंदर। आप चाहें तो सिर्फ स्वीट कॉर्न के साथ भी इस खीर को बना सकते हैं, चावल आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इससे फिर आपको डबल लेने होंगे स्वीट कॉर्न्स। अभी 1.5 कप लिया है तो आपको 3 कप लेना होगा और दूध को पहले थोड़ा गाढ़ा कर लेना होगा। तो स्वीट कॉर्न को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और स्वीट कॉर्न मिलाने के बाद खीर थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा थिक हो जाए तो उसमें आप 1/2 कप दूध या 1/2 कप पानी मिला लें तो उससे खीर नीचे जलेगी नहीं और स्वीट कॉर्न को पकने के लिए थोड़ा टाइम मिल जाएगा। तो अभी आंच को बिल्कुल धीमा कर दें और उसके ऊपर लिड लगा दें 2 से 3 मिनट के लिए बस। तो बस 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर डाल देंगे चीनी और हमारा केसर वाला दूध, अच्छे से मिला देंगे। इससे इसका रंग भी बहुत ही बढ़िया हो जाएगा और स्वाद तो बढ़िया हो गई। और कटे हुए काजू जो कि मैं सारे अभी मिला रही हूँ और बादाम में से थोड़े से टुकड़े मैं रख लूँगी बाद में ऊपर डालने के लिए। और ये किशमिश, अच्छे से इनको मिला देंगे। और अब रह गया हमारा इलायची का पाउडर। तो इलायची का पाउडर भी मिला देते हैं। अब ज़्यादा पकाने की हमें ज़रूरत नहीं है, कॉर्न्स हमारे पक चुके हैं, चावल दाने पहले ही पके हुए थे, खीर काफ़ी गाढ़ी हो गई है एकदम बढ़िया। और अब फ्लेम को हम बंद कर देंगे। अब इसे ये देखिए, मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देखिए। अब उतार लेते हैं आग से हम इसे नीचे और ट्रांसफर कर लेते हैं बॉल के अंदर। और इस सारी तैयारी के अंदर मुझे टाइम लगा 20 से 25 मिनट। इसे निकाल लेते हैं बॉल में। और ये खूबसूरत सा जो बॉल है ये मेरी बड़ी सिस्टर ने मुझे मकर संक्रांति पे गिफ्ट दिया है, तो थैंक यू रोमी। तो हमने इसे निकाल लिया है बॉल में। अब पैन को रख देती हूँ साइड पे और अब हम इसकी करेंगे गार्निशिंग। तो जो बचे हुए बादाम के टुकड़े हैं वो हम ऊपर डालेंगे और पिस्ता को भी। कितना खूबसूरत हमारी खीर बन के तैयार हुई है। और अब लगा देते हैं इसके ऊपर अपना सिल्वर फॉइल। अब मेरे जो बॉल है वो काफ़ी छोटा है तो अगर मैं पूरा इसके ऊपर लगाऊंगी तो पूरा ही ढक जाएगा हमारा खीर, तो मैं उसे छोटे टुकड़ों में लगाऊंगी।
कोशिश करती हूँ इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में लगाने की, तो उसे खीर खूबसूरत भी लगेगी। और पिन मैं यूज़ करने वाली हूँ इसके लिए, इस तरह से पिन से छोटे पीसेस निकाल के लगाती हूँ। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसे ठंडा खाना चाहते हैं आप इसे ठंडा खाइए, आपको गर्मा गर्म खाना है आप इसे गर्मा गर्म भी सर्व कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है।